हेलो 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 दोस्तों नमस्ते आदाब सत आपका दोस्त गौरव टेक्स बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाइए तैयार क्योंकि हम यहां पर करने जा रहे हैं एक बार फिर से जीके और जीएस पे वार जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और जो पूछे जा सकते हैं तो कहते हैं ना दोस्तों करेंगे एक नए सेशन की शुरुआत बहुत दिन के बाद एक नए जोश के साथ तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड इवनिंग तो सभी लोग एक बार क्या करेंगे जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे सो दैट की सभी लोग यहां पे जुड़ सके और हम इसको स्टार्ट कर सके ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना समय व्यर्थ करते हुए तो आज के मोटिवेशनल कोर्ट के साथ बढ़ेंगे और आज

है तो अब हम लोग की क्लासेस फिर से कंटिन्यू चलेंगी ठीक है तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं अगले स्लाइड के साथ सभी लोग फटाफट से एक बार यस टाइप कर दीजिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी स्क्रीन और वॉइस एकदम क्लियर है आप लोगों को और भाई साहब पूछ रहे हैं आर यू गाइज रेडी अगर रेडी है तो हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ तो यस 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 विक्की ने रेडी कह दिया है लाबनी जी ने ठीक है अंकिता चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जो आपके एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट डे पे फर्स्ट शिफ्ट में रेड एलगी आर जनरली फाउंडेड इन लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं माउंटेन में पाए जाते हैं सिटीज में पाए जाते हैं वाटर बॉडीज में या फिर डेजर्ट्स में पाए जाते हैं तो यहां सब लोग सी के साथ जा रहे हैं जितने लोग कह रहे हैं सर सी 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 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा वॉटर बॉडीज इज द करेक्ट आंसर अब देखिए मैंने आपको बताया था एलगी मतलब शैवाल शैवाल कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं तो आपने बताया था सर थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं ओके थैलोफाइटा को बिलोंग करते हैं लिख लिया एलगी की जो है अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं स्टडी को फेकोलॉजी कहते हैं राइट फेकोलॉजी कहते हैं यस बहुत ही बढ़िया इसको फेकोलॉजी कहा जाता है ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा था कि एलगी

रेड एलगी का एग्जाम्पल तो जैसे कि डल्स क्या हो गया डल्स डी यू एल सी डल्स लेवर ये सब क्या है ये है जो है एग्जाम्पल एलगी के रेड एलगी के ये एग्जाम्पल है ठीक है उसके बाद आपसे क्या पूछ सकते हैं एलगी अगर जुड़ जाए फंगस के साथ अगर जो है शैवाल कवक के साथ जुड़ जाता है तो हमने क्या पढ़ा था क्या बनेगा लाइकेन बन जाएगा क्या बन जाएगा लाइकेन बन जाएगा ये याद रखेगा ये सवाल अभी तक नहीं पूछा गया हो सकता है दो हजार तेईस में कौन सा देश जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की जो है आयोजित करेगा क्या वो इंडिया है अर्जेंटीना है इटली है और टर्की है कौन सा है यहां पर कह रहे सर इंडिया होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले जितने लोग यहां पर इंडिया इंडिया कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे ठीक है अच्छा अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि इससे पहले 2019 में अगर 2019 में पूछा जाए कि किसने किया था इसको आयोजित तो किसने किया था ओसाका जापान में किया गया था क्या जल्दी से बताइए ओसाका जापान में और हम लोग एक बात बताइए जी का मेंबर है कि नहीं इंडिया

Yes, यस पे किसने बताया है uh, रोहित ने सबसे पहले आंसर बताया है जूसी जी एफ ठीक है हम लोगों ने ट्रिक पढ़ी थी जूसी एफ ठीक है उसको याद याद रखिएगा आपको इससे हो 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 जाएगा 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 जे से से जापान ठीक है यू यूएसए आई से हो जाएगा इटली ठीक है सी से हो जाएगा कैनेडा कैनेडा वाई से क्या हो जाएगा वाई थोड़ी था यहाँ पे ई e था राइट right. ई e से इंग्लैंड हमने बोला था इंग्लैंड को हम लोग क्या लिख रहे थे यूके राइट जी से क्या हो गया जर्मनी और एफ से क्या हो गया फ्रांस ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी में रशिया को आप जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा जी एट कंट्री बन जाएगा सेवन से फिर एट हो जाएगी राइट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा इन टू श्री नीरज चोपड़ा ठीक है, 2018 में नीरज चोपड़ा जी को जो है भाला फेंक में उनके प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पुरस्कारों में से किससे सम्मानित वो किए गए थे क्या वो ध्यानचंद पुरस्कार अर्जुना अवार्ड राष्ट्रपति अवार्ड या फिर राजीव गांधी खेल रत्न यहां पर कह रहे सर अर्जुन अवार्ड मिला था ओके बाकी लोग जितने तो लोग अर्जुना अवार्ड अर्जुना अवार्ड कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे अर्जुना अवार्ड हो जाएगा और इस बार आपके एग्जाम में अर्जुना अवार्ड तो पूछा था लेकिन दो हजार... बाइस का पूछा था ठीक है अब वहां पे दोस्तों डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था ठीक है मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल भी बताए थे जैसे एल्डोज पॉल बताया था सीमा पुनिया जी का नाम बताया था उनको अर्जुन अवार्ड मिला था ध्यानचंद अवार्ड अगर 2022 पूछ लेता तो आप लोग आंसर क्या करते शरद कमल जी का नाम बता देते शरद कमल अचंता जी का नाम ठीक है तो इनका नाम याद रखेगा उसके बाद आप लोगों से और भी सवाल पूछे जा सकते कि बताइए ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक में हम लोगों ने अब तक स्वर्ण पदक कितने जीते हैं अब तक मतलब जब से शुरुआत हुई है और अभी 2023 तक गोल्ड अगर पूछेगा तो दो बार गोल्ड जीता है क्या हमने इंडिविजुअल गेम की बात कर रहा हूं इंडिविजुअल गेम एक बार अभिनव बिंद्रा जी ने जितवाया था किसने जितवाया था अभिनव बिंद्रा जी ने जितवाया था कब जीतवाया था 2008 में ठीक है तब ओलंपिक कहां पर हुआ था बीजिंग में हुआ था क्या जल्दी से बताइए चाइना बीजिंग में हुआ था दूसरा जो जितवाया वो किसने जितवाया नीरज चोपड़ा जी ने जितवाया ठीक है और ये कब जितवाया इन्होंने 2020 में जितवाया कहां पर हुआ था टोक्यो में हुआ था टोक्यो ओलंपिक हुआ था राइट और आपके एग्जाम में इसी तरीके का एक सवाल पूछा गया था आईसीआर में भी कि बताइए कि दो में दो में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे यह सवाल पूछा गया था आईसीआर में तो दो सिल्वर मेडल जीते थे ब्रॉन्ज कितने जीते थे तो ब्रॉन्ज चार जीते थे गोल्ड कितने जीते थे तो एक जीता था टोटल कितने हो गए? चार दो छत सात हम लोगों ने मेडल जीते थे टोटल वाली क्लास नहीं हो रही है, तो दोस्तों, कल से 2 पीएम वाली क्लास भी होगी मॉर्निंग का जो करंट अफेयर सेशन है वो भी होगा ठीक है टेंशन नहीं लेना क्वेश्चन नॉट करेक्ट मैच निम्नलिखित में से कौन सा गलत यहां पर जो है सुमिलित किया गया है नॉट करेक्ट ठीक है बताइए चिराव जो है मिजोरम राउ जो है जम्मू कश्मीर भरतनाट्यम कर्नाटका और लावनी जो है महाराष्ट्र बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सी ऑप्शन सी सी ऑप्शन जितने लोग सी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्यों करेक्ट हो गया भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है ना कि कर्नाटका में ठीक है भरतनाट्यम को दसी अट्टम भी कहते हैं क्या कहते हैं ध्यान से सुनिएगा दसी अट्टम ठीक है और क्या कहते हैं सदिर अट्टम दिरट्टम पुराना नाम है इसका सदिर अट्टम ठीक है भरतनाट्यम जो है इसको डांस परफॉर्मेंस जो आ, न, अगर आपसे पूछेंगे नृत्य कौन है तो यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन यामिनी कृष्ण मूर्ति देखिये थोड़ा सा एग्जामिनर जो है घुमा सकता है यामिनी कृष्ण मूर्ति अगर ऑप्शन में दिए हैं और आपसे भरतनाट्यम ऑप्शन में नहीं दिया है अगर यामिनी कृष्ण मूर्ति जी का नाम दिया गया क्वेश्चन में और भरतनाट्यम नहीं दिया गया तो कुचिपुड़ी को टिक लगाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोगों ने टी बाला सरस्वती कौन टी बाला सरस्वती जी का नाम याद रखेगा ठीक है उसके बाद रुक्मणी देवी अरुंदले कौन रुकमणी देवी अरुंदले जी का नाम याद रखेगा ठीक है आपसे पूछा जाएगा सोनल मानसिंह तो सोनल मानसिंह जी का नाम याद रखिएगा अब मान लीजिए क्वेश्चन में सोनल मानसिंह दी गई हैं लेकिन ऑप्शन में भरतनाट्यम नहीं है तो आप ओडिसी डांस को टिक लगाएंगे ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े चलिए बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा और आपके एग्जाम में शायद सारा भाई जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार राइट सारा भाई जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था तो वो किससे हो जाएंगी भरतनाट्यम से हो जाएंगी और ये किसकी वाइफ है विक्रम सारा भाई जी की वाइफ है ना ठीक है आगे बढ़े ठीक है अगला क्वेश्चन आर्टिकल फोर्टी फाइव अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर देखिए हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद पैतालीस है वो दोस्तों राज्य के नीति निर्देश में दिया गया है वो किससे रिलेटेड है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द कंट्री और गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेस एडवांस स्टेट देखिए एजुकेशन के लिए तो तीन ऑप्शन दे दिए गए बहुत से लोग एजुकेशन बोल रहे हैं लेकिन एजुकेशन के लिए तीन ऑप्शन है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन से आपको लगाना था टिक क्यों क्योंकि इसमें कहा गया है जीरो से छह साल तक के बच्चों को पढ़ाना चाहिए ठीक है पढ़ाना चाहिए अनिवार्य नहीं है लेकिन करना चाहिए ऐसा बताया गया है ठीक है, से लिया है. बहुत कौन से भाग में है तो आप कहोगे भाग चार में है ठीक है नॉन है नॉन जस्टिस मतलब अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ है ना तो ये याद रखिए एक तरीके का क्या है सिद्धांत है गाइड है ठीक है उसके बाद याद रखना किस आर्टिकल तो आर्टिकल 36 से लेके इंक्यावन तक ठीक है अच्छा राइट ऑफ माइनोरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये किस में दिया गया है तो ये आर्टिकल 30 में अनुच्छेद 30 में दिया गया है 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 ये आपको ध्यान रखना ठीक है, है? अगले सवाल बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल इन इंडिया मोनाजाइट इज फाउंड इन डैश भारत में जो मोनाजाइट होते हैं वो डैश में पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में केरला में तमिलनाडु में या फिर मोर देन वन ऑफ दी दबो ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा चले जो लोग फोर 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 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है देखिए अब देखिये यहां पे मोर देन वन ऑप्शन क्यों कहा सर आपने आप उड़ीसा चले जाइए उड़ीसा में भी आपको मोना मिलेगा

ठीक है राजस्थान में उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कोल तो आप कहोगे कोल झारखंड में पे झारखंड में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े हाँ जी बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा परिच ऑफ दी फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर नाइन डेज इन दमन एंड दीव देखिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो दमन और दीव में नौ दिनों तक मनाया जाता है कौन सा नारियल पूर्णिमा गरबा फोक डांस या इनमें से कोई भी नहीं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एलिमिनेशन लगा सकते हैं आप लोग यहां पर बाकी लोग क्या कहते हैं जो लोग यहां पर ए ए कह रहे हैं उनका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पे करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर टू गरबा डांस ठीक है गरबा डांस देखिए गुजरात में भी किया जाता है दमन और दीव में भी आपको देखने को मिलेगा तो गरबा इज दी करेक्ट आंसर ठीक है नारियल पूर्णिमा भी किया जाता है जब नारियल यहाँ पे नारियल की सीड्स की जाती है इसको कहते हैं सीड गॉड ठीक है याद रखेगा और गरबा याद रखना है ये नौ दिनों का त्यौहार होता है कहां पर दमन और दीव में ठीक है आपके एग्जाम में दोस्तों एक सवाल पूछा गया था मेघालय का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल तो आपको याद होगा मेघालय का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल किसको कहा गया था वांगला को राइट वांगला को अगर न्यू ईयर पूछा जाए कहां का न्यू ईयर पूछ लिया जाए आंध्र प्रदेश का तब तो आप लोगों ने आंसर क्या करना है उगादी ठीक है अगर न्यू ईयर तमिलनाडु का पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे पुथांडू क्या कहेंगे पुथांडू अगर केरला केरला का केर्ला का न्यू ईयर पूछा जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे विशु कहेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपसे आपसे पूछा पूछा जाता है जैसे जाएगा कि बताइए असम असम का आसंग का न्यू ईयर तो देखिए रोंगाली बिहू ठीक है कौन सा रोंगाली बिहू कंफ्यूजन हो जाते हैं लोग कई लोग भोगाली बिहू कह देते तो रोंगाली बिहू जो है न्यू ईयर बनाया जाता है अप्रैल के महीने में एक बार आपसे सवाल पूछा गया कि बैसाखी का जो त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है तो बैसाखी का त्यौहार देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों जगह मनाया जाता है ठीक है आपके एग्जाम में पूछा था किस महीने में मनाया जाता है तो अप्रैल के मंथ में मनाया जाता है ठीक है तेरह चौदह अप्रैल को आगे बढ़े चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए अच्छा पे ग्रिव द क्रोनोलॉजिकल और सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद दी महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी के रिगार्डिंग आपको कुछ इवेंट दिए गए हैं उनको क्रमशह जमाना है कौन पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ तो ऑप्शन क्या क्या है डांडी मार्च है पूना पैक्ट है खेड़ा सत्याग्रह है और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है जल्दी से बताइए यहां पर कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा चले जो लोग यहां पर ए ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कैसे होगा अब वो देखते हैं डांडी मार्च कब हुआ था डांडी मार्च 1930 को हुआ था क्या जल्दी से बताइए पूना पैक्ट 1932 को ठीक है खेड़ा सत्याग्रह 1918 को और नॉन कॉपरेशन कब हुआ था ये 1920 में हुआ था तो सबसे पहले इनमें से कौन सा आ जाएगा ये आएगा थ्री राइट right, थ्री आना चाहिए अब देखिए ऑप्शन में थ्री कहां पर है सबसे पहले ए फर्स्ट ऑप्शन में है बाकी में तो है ही नहीं तो इसको एलिमिनेट मार देते हैं ऑप्शन नंबर टिक लगा के आगे चलते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एस अगस्त रेवोल्यूशन ऐसा कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आंदोलन थी जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है खिलाफत मूवमेंट स्वराज मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट यहां पे कह रहे सर सी ऑप्शन होना चाहिए ओके चलिए जितने लोग यहां पर सी 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 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है 8 अगस्त 1942 ठीक है याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 और इस समय इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं और इसी समय महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था और वो नारा क्या था डू और डाई क्या था डू और डाई का नारा दिया था ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल स्पॉन्सर ऑफ द संतोष ट्रॉफी 2022 हजार बाईस तेईस संतोष ट्रॉफी दो हजार बाईस का प्रायोजक कौन था टाटा वीवो साउदी अरेमको और हीरो मोटोकॉप कौन था जल्दी से बताइए यहाँ पे कह सर ही, हीरो मोटोकॉप ऑप्शन नंबर ठीक है कुछ लोग यहाँ पे ठीक है जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी डी कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2022 हजार का जो संतोष ट्रॉफी था ये कौन सा संस्करण था तो जल्दी से बताइए कौन सा संस्करण था देखते हैं कितने लोगों को याद है कौन सा संस्करण था अगर अभी देखिए हीरो तो चलिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सही बता रहे हैं हीरो मोटोकॉप तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है थर्ड नहीं 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 सेवेंटी थर्ड वेरी गुड प्रियांशी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है प्रियांशी ने सेवेंटी है छिरा एडिशन याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो कि भाई दो हजार बाईस का कौन सा संस्करण था छिहत्तरवा था कौन सी टीम जीती थी कर्नाटका कौन सी टीम जीती थी कर्नाटका ठीक है तो विनर हो गई और रनर अप कौन थी मेघालय ठीक है कौन सी टीम थी मेघालय जो थी ये रनर अप टीम थी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने स्कोर से हराया गया था तो तीन दो ठीक है तीन दो स्कोर था याद रखेंगे चले आगे वेरी गुड अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं लेकिन उससे पहले फटाफट से क्या करेंगे एक बार लाइक like और शेयर करते हुए चलेंगे अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जीतू राय जीतू राय एंड ओम प्रकाश मिथ्रावल वन गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रहे हैं राष्ट्रमंडल खेल 2018 में जीतू राय और ओम प्रकाश मिथ्रावल जो थे उन्होंने खेल में क्रमशः स्वर्ण और कहां से पदक जीता था शूटिंग बैडमिंटन रेसलिंग और स्विमिंग किसमें जीता था यहां पर ऑप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग चले, जितने लोग यहां पर कह रहे हैं सर शूटिंग 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 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा शूटिंग अगर आपके एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ गेम ठीक है कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई थी तब आप क्या कहेंगे 1930 में हुई थी क्या जल्दी से बताइए कहां पे खेला गया था तो हैमिलनेडा में खेला गया था क्या यह भी बताएंगे सभी लोग फटाफट से ठीक है उसके बाद आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2018 का 18 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ कहां पे था तो आप लोग क्या कहेंगे गोल्ड कोस्ट में हुआ था कहेंगे गोल्ड कोस्ट में अच्छा तो चार साल का गैप होता है तो चार साल में अगर जोड़ दो बताइए फटाफट से, से अठारह में भारत की रैंक क्या थी 2018 में भारत की रैंक क्या थी भारत की रैंक थी थर्ड कब हम बात कर रहे हैं दो की दो में कौन सी रैंक थी तो फोर्थ रैंक थी इंडिया की ठीक है भारत ने 2018 में कितने मेडल जीते थे टोटल छाछठ मेडल जीते थे 2022 में कितने मेडल जीते थे टोटल इकसठ मेडल जीते थे ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्ड कितने जीते थे 2022 में तब तो आप कहोगे 22 मेडल जीते थे

यहां पे कह रहे हैं सर कुछ वो कह रहे हैं सर सी कुछ लोग कह रहे हैं सर डी ओके okay. तो जितने लोग यहां पे उर उर कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया आ, ठीक है अब देखिए यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपने बता तो दिया कि यहां पे उर का मतलब है गांव अगर पूछ लिया जाएगा कि चोला जो साम्राज्य था उस समय जो गांव का समूह होता था मतलब ग्रुप ऑफ विलेज होता था तो उसको क्या कहते थे सभी लोग बताएंगे देखते हैं कितने लोगों को पता है आपने बता दिया इसका मतलब है विलेज ठीक है अब बहुत सारे विलेज को मिला दिया जाए ग्रुप ऑफ विलेज तो उसको क्या कहते थे नाडू बिल्कुल विदुषी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया नाडू मतलब ग्रुप ऑफ विलेज ठीक है क्या हो जाएगा बहुत सारे गांव को मिला दीजिए तो उसको हम लोग कहते हैं नाडू क्या कहते हैं नाडू और जो क्या कहते हैं कि धनी किसान होते थे मतलब रिच फार्मर कह लीजिए या फिर रिच पीजेंट कह लीजिए चोला किंगडम के समय में इनको कहा जाता था वेल्ला ठीक है विलल्ला ठीक है ये आपको याद रखना है चले ये आपको याद रखना है चोला किंगडम के अच्छे दोस्तों संस्थापक कौन थे फाउंडर तो विजालिया थे फाउंडर विजाल्या थे ये भी आपको ध्यान रखना है इस बार आपके एग्जाम में ये विलेज वाला पूछा गया है आपको याद रखना है ग्रुप ऑफ विलेज नायडू जैसे तमिलनाडु तमिलनाडु आपने नाम देखा है ना तमिलनाडु सुने ही होगा वैसी बात है भारत का राज्य है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस से बना हुआ है इसलिए तमिलनाडु ठीक है चले आगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा कमेंस्ड इन डैश प्रथम लोकसभा का जो पहला सत्र हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था उन्नीस सौ इक्यावन पचास सैतालीस और बावन में जल्दी से बताइए यहां पे कह रहे सर इक्यावन होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर बावन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं जो लोग यहां पे बावन बावन कह रहे हैं उनका तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 52 क्योंकि 52 में तो चुनाव हुए थे तो 51 में कैसे सेशन शुरू हो सकता है आप खुद सोचिए जो इलेक्शन कमीशन था उसका गठन हुआ था 1950 में और जो चुनाव हुए थे जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 से लेके 1952 तक चला था फरवरी तक फरवरी अब जब बन गया होगा इलेक्शन हो गए होंगे तभी हुआ होगा है ना तो पहला सेशन हुआ था उन्नीस तो कि किस अनुच्छेद में पच्चीस वर्ष ठीक है ट्वेंटी फाइव मिनिमम ठीक है, है तो minimum, उसके बाद अगर पूछेगा मैक्सिमम सीट कितनी है तो मैक्सिमम सीट आप क्या बताओगे 550 ठीक है पहले पांच हुआ करती थी अब 550 है ठीक है इसके देखिए कई बार पूछा जाता है कि जो इसमें स्पीकर होते हैं और डिप्यूटी स्पीकर वो किस अनुच्छेद में में है तब आप कौन थे सभी लोग बताइए डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, थे, स्पीकर कौन थे? ये कई बार क्लास में बताया मैंने पहले डिप्यूटी स्पीकर कौन थे अच्छा इस बार अगर स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर तो आपके सीजीएल 2022 दिसंबर में पूछे गए थे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन जो कि दोस्तों राज्यसभा में बैठते ना सभापति बताइए यहां पे आयंगर जी थे, बिल्कुल डिप्यूटी जो थे अयंगर थे ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हैं एम ए अयंगर थे यहां पे डिप्यूटी स्पीकर अब मुझे बताइए चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन किस अनुच्छेद में मेंशन है हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन है जल्दी से बताएंगे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है किस अनुच्छेद आर्टिकल बताना है आपको नाइनटी थ्री तो स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर हो गए चेयरमैन आपको बताना है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन चलिए होमवर्क दे देते हैं ठीक है गलती आ रही है यहां से आर्टिकल आपको बताना है होमवर्क है पहला होमवर्क है कमेंट बॉक्स में बताइएगा आफ्टर क्लास ठीक है चलिए आगे बढ़े और मैं आपको ऑप्शन दे दू ऑप्शन चलिए दे, दे देते हैं ठीक है नाइनटी थ्री नाइन्टी फोर सिक्सटी फोर और सेवनटी टू नहीं सेवेंटी टू नहीं देंगे सेवेंटी थ्री ठीक है ये ऑप्शन है वन टू थ्री फोर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल आपके लिए रहा हु अमंग दी फॉलोइंग रोट आप क्या इतिहास अकबर नामा शीर्षक से लिखा था क्या वो मियां तानसेन थे टोडरमल थे राजा बीरबल और अबुल फजल कौन थे यहां पे कह रहे सर अबुल फजल होने चाहिए ओके जितने लोग यहाँ पर अबुल फजल ऑप्शन नंबर फोर फोर कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पे आपसे ये नहीं पूछते एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अकबर नामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई लेकिन कितने वॉल्यूम में तब तो आप कहते हो तीन वॉल्यूम में अब एग्जामिनर यहीं तक सीमित नहीं है एग्जामिनर क्या करता है सीजीएल दे आप देने जा रहे हो तो सीजीएल पूछेगा पहला वॉल्यूम किस पर क्या दिया गया है पहले वॉल्यूम में तो बर्थ डिटेल के बारे में दिया गया है बर्थ के बारे में दूसरा किस किस पर है तो डिटेल्ड है उसमें जो है अकबर के बारे में किसके बारे में अकबर के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है ठीक है ये आपको याद रखना सोलह तक जो भी उन्होंने किया था वो उसमें मैंशन है किसमें वॉल्यूम टू में ठीक है ये याद रखेंगे तो आपको याद रखना है बर्थ फर्स्ट वॉल्यूम में सेकंड वॉल्यूम में पूरा डिटेल दिया गया उनका राज्य जो था डिटेल इंग्लिश में कहेंगे आप रीन आर ई आई जी एन रीन 1602 तक उन्होंने जो पूरा सब कुछ किया था वो सब कुछ यहीं पर मेंशन है और लास्ट में क्या दिया गया है थर्ड वॉल्यूम में उनका एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई किस तरीके से वो अपनी जो है राज्य चलाते थे वो उसमें मेंशन है तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि अब यह एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहले वॉल्यूम में क्या है दूसरे वॉल्यूम में क्या है और तीसरे वॉल्यूम में क्या है ठीक है याद रखोगे चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th Amendment Act 1978 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन संविधान चौवालीसवां संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हटा दिया गया इसके तहत आर्टिकल इकतीस उनतीस सत्ताईस और 25 किसको हटाया गया इकतीस बिल्कुल सही इकतीस को हटाया गया आर्टिकल थर्टी वन को क्योंकि आपको याद होगा जब चौवालीसवा सन दो हुआ था तो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारी थी ठीक है वो फंडामेंटल राइट right हुआ करती थी ठीक है और आर्टिकल इकतीस में मौजूद थी और भाग अगर आपसे पूछेगा तो भाग किस में आ जाएगा ये इकतीस फंडामेंटल राइट है तो भाग तीन में राइट लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो एक जादू हो गया

1875 देखिए कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ईश्वर चंद्र विद्यासागर राजा राम मोहन रॉय और स्वामी विवेकानंद जल्दी से बताइए यहाँ पे कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे ए करेक्ट होगा या नहीं जो लोग कह रहे सर ए ऑप्शन ए ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहां पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वन अच्छा कई बार आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ बंगाली प्रोज मतलब कवि किसे कहा जाता था बंगाली कवि किसे कहते थे तो आपको ध्यान रखना है वो ईश्वर चंद विद्यासागर ठीक है फादर ऑफ याद रखिएगा फादर ऑफ बंगाली प्रोज कहते थे इनको फादर ऑफ बंगाली प्रोज ठीक है ये आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए यहां पर आर्य समाज पूछा गया है आपसे पूछेंगे प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना किसने की थी ठीक है तब आप आंसर क्या करेंगे कि आत्मा राम पांडुरंगा ने आत्मा राम पांडुरंगा ने की थी अब सवाल ये उठेगा कि किस वर्ष में की थी तब आप कहोगे अठारह में ठीक है अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए सत्यशोधक समाज कौन सा सत्यशोधक समाज जो था उसकी स्थापना किसने किसने की की तब आप कहोगे कि यहां पर ज्योतिबा ज्योतिबा फुले फुले जी जी ने ने ठीक है थी किस वर्ष में किया था इन्होंने तो में किया था फिर आपसे तो है तो पूछेंगे ब्रह्मो, तो तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसकी ब्रह्मो समाज की स्थापना तो ब्रह्मो समाज की स्थापना कब किसने की थी तो राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी कब किया था इन्होंने अठारह सो में किया था अब एक सवाल यह बनेगा आपसे एग्जाम में कि बताइए साधारण ब्रह्मो समाज कौन सी साधारण ब्रह्मो समाज जो थी उसकी स्थापना किसने की थी तो आप कहोगे आनंद मोहन बोस जी ने किसने आनंद मोहन बोस जी लेकिन सवाल यहां पर यह नहीं सवाल यह है कि किस वर्ष में की थी जल्दी से बताइए सभी लोग फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे ठीक है आगे बढ़े 1970 नहीं 1970 तो नहीं था ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े होमवर्क है याद रखिएगा ये होमवर्क नंबर टू बताना है क्लास में किया हुआ है ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा यहां पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू अनफंडेड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा यहां पे कह रहे हैं कि मुद्रा का आपको पूरा पूर्ण रूप बताना है ठीक है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड और मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड क्या होगा यहां पर यहां पर कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग चले जो लोग यहां पे बी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अब सवाल यहां पर यह उठता है कि तीन कैटेगरीज है इसमें तीन कैटेगरी है ठीक है कौन कौन सी कैटेगरी है? है क्या शिशु किशोर और तरुण ठीक है तो ये तीन कैटेगरी है तो इनको आपको ध्यान रखना है ठीक है पचास हजार एक लाख दस लाख ठीक है मैक्सिमम टेन लाख तक का लोन मिल जाता है इसमें अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज रिलेटेड प्रोविजन इंप्लीमेंटेड संविधान के किस भाग में पंचायती राज में जो है संबंधित प्रावधान लागू किए गए हैं भाग छह में भाग सात में भाग आठ में और भाग नौ में जल्दी से बताइए किसमें हैं भाग नौ भाग नौ जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा चलिए भाग नौ में तो ये हो गया तो भाग छ में क्या है तो भाग छ में दिया 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 गया गया दिया गया स्टेट स्टेट क्या है भाग सात को क्या किया गया, रिपील का मतलब delete. Right, delete कर दिया गया है ठीक है भाग आठ में क्या दिया गया यूटी दिया गया है यूनियन टेरिटरी दिया गया है अगर भाग दस पूछ लेता क्या भाग दस पूछ लेता तब आपका आंसर क्या हो जाता फटाफट से सभी लोग बताएंगे जल्दी से बताइए भाग दस में अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है जिन्होंने अभी तक दोस्तों लाइक और शेयर नहीं किया फटाफट से एक बार लाइक और शेयर भी करते हुए चलेंगे एंटी अरे दोस्तों भाग दस पूछ रहा हूं आप लोग मुझे वो अनुसूची दस बता रहे हो ठीक है नहीं देखिए भाग दस में म्यूनिशिपल नहीं है दोस्तों बहुत लोग गलतियां कर रहे हैं देखिए भाग पूछ रहा हूं आप लोग अनुसूची कंफ्यूजन हो रहे है आपको ठीक है देखिए भाग नौ अगर मैं पूछता तब आप कहते मुझसे मुनिपल तब मैं आपको कहता हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो अगर मैं आपसे कहता भाग नौ बी पूछता तब आप मुझसे कहते कोऑपरेटिव सोसाइटी तब भी मैं कहता आप सही बता रहे हैं ठीक है लेकिन मैंने आपसे भाग दस पूछा है तो इसकेड्यूल के बारे में एस सी एस टी राइट यस यहाँ पे राजेश जी ने बताया सर एस सी एस टी बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए दोस्तों सेकंड फाइव ईयर प्लान फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस जो है आ, किस पर केंद्रित थी एग्रीकल्चर सर्विस हैवी इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड किस पे थी यहाँ पे इंडस्ट्री इंडस्ट्री जो लोग कह रहे हैं सर इंडस्ट्री उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हैवी इंडस्ट्री देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब से कब तक थी 1956 से उन्नीस तक थी जो कि गड़गिल मॉडल पे थी ठीक है गड़गिल मॉडल नहीं पीसी महलनोबिस मॉडल पे किस पे पीसी महलनोबिस मॉडल पे थी ये भी आपको ध्यान रखना है और पीसी महलनोबिस जी को ही कहा जाता है फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या कहते हैं फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी के पितामा कहलाते हैं ठीक है ये याद रखेगा फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स अच्छा उसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए पंचायती राज जो थी वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी तो वो आई थी सेकंड फाइव ईयर प्लान के तहत आपको या, ये भी याद रखना पंचायती राज क्योंकि आपको याद होगा पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में लाया गया था 1959 तो, और 1959 इसी के बीच में आएगा ठीक है 1956 से लेके 1961 ठीक है आगे बढ़े चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर चेन्नई सुपर किंग वॉन आईपीएल 2023 मेकिंग इट्स डैश टाइटल इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल जल्दी से बताइए। चेन्नई सुपर किंग ने जो है आईपीएल 2023 जीतकर आईपीएल के इतिहास में अपना डैशवां किताब जीता था छठवां सातवां पांचवां आठवां पांचवा 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये याद रखिएगा आईपीएल बिल्कुल ध्यान रखना है जीता किसने था चेन्नई सुपर किंग विनर थी ठीक है और गुजरात टाइटन कौन थी रनर अप थी बिल्कुल सही है ठीक है फिर उसके बाद पूछेंगे कि ऑरेंज कैप ऑरेंज कैप किसको दिया गया था शुभमन गिल जी को किसको दिया गया था शुभमन गिल को दिया गया था कितने रन बनाने के लिए आठ रन बनाने के लिए ठीक है और पर्पल कैप किसे दिया गया था पर्पल कैप दिया गया था मोहम्मद शामी जी को कितने विकेट लेने के लिए अट्ठाईस विकेट लेने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल द कॉम्पोनेट ऑफ ह्यूमन डेवलप

चलिए जो लोग यहां पर कह रहे सर सी 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 उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखिए आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम लोग एच डी आई हिंदी में सॉरी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एच डी आई क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको रिलीज कौन करता है यू एनडीपी करती है ठीक है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है उसके तहत इसको किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बार किसने किया था ये आपको बताना है जल्दी से बताइए 1990 में ईयर बिल्कुल सही बताया है बहुत बढ़िया जो लोग कह रहे हैं महबूब उल हक ठीक है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ठीक है पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे ठीक है है या ये आपको याद रखना है इनका नाम महबूब उल हक ठीक है इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था महबूब उल हक ठीक है इन्होंने 1990 में शुरुआत की थी ये भी याद रखेंगे आगे बढ़े अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है तो आपको इसको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन बढ़े अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा Which of the following parachuter creates world record on way to pistol gold at WSPS World Cup in July 2023? निम्नलिखित में से किस पैराशूटर ने जुलाई 2023 में डब्ल्यू विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया क्या वो रुद्रांश खंडेलवाल निहाल सिंह मनीष नरवाल और अवनी लखेरा कौन होंगे यहां पे? तो यहां पे ए ऑप्शन कह रहे हैं ओके जो लोग ए ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये या आपको याद रखना है रुद्रांश खंडेलवाल ये तो दोस्तों बिल्कुल लेटेस्ट है तो ये आएगा पूछा नहीं जाएगा ठीक है तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये नहीं आ सकता है क्योंकि जुलाई में ही एग्जाम हो रहे हो जुलाई का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है, के प्रतिपादक है? क्या वो श्रीमली है उषा उत्थुप हैं सुमन कल्याणपुर हैं और मोनाली ठाकुर हैं इस तरह का सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में अभी एस एस सी सीजीएल में तो यहां पे ऊषा जी कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहते हैं क्या उषा जी करेक्ट आंसर होंगी या फिर नहीं तो जो लोग उषा जी उषा जी कह रहे हैं उनका तो गलत आंसर होने वाला है करेक्ट आंसर यहां पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो लोग वन कह रहे हैं उनका करेक्ट होगा बी नहीं होगा यहां पे होगा प्रेरणा श्रीमाली जी करेक्ट आंसर होंगे अब देखिए कथक जो है डांस ये कहां परफॉर्म किया जाता है यूपी में और आप लोगों ने फेमस डांसर के नाम तो ऑलरेडी पढ़े हुए जैसे कि बिरजू महाराज हो गए ठीक है लच्छू महाराज हो गए कौन हो गए लच्छु महाराज शंभू महाराज कौन शंभू महाराज सितारा देवी कौन सितारा देवी सितारा देवी पूछी जा चुकी हैं पहले भी दमयंती जोशी कौन दमयंती जोशी तो ये फेमस नेम है तो आपको ये नेम ध्यान रखने हैं ठीक है आगे बढ़े यस yes. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान के कौन सा हिस्सा जो है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के संबंधित प्रावधानों से संबंधित है भाग चार भाग छह भाग दो भाग तीन फटाफट से बताइए चार 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग चार अब देखिए भाग छह किससे संबंधित है अभी हमने थोड़ी देर बाद पहले बात की थी स्टेट से संबंधित है भाग दो आपके एग्जाम में नागरिकता पूछा गया था ठीक है कि सिटीजनशिप कौन से भाग में है तो आपको ध्यान रखना है एक पहले दिन ही आप लोगों से पूछा गया था कि सिटीजनशिप जो है अनुच्छेद के किस रेंज में है तो आपको बताना था अनुच्छेद पांच से लेके ग्यारह तक ठीक है भाग तीन में क्या है भाग तीन में है फंडामेंटल राइट और याद रखिएगा भाग तीन को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्या कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है और अनुच्छेद का रेंज

अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि धिमसा धिमसा डांस कहां का है तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश का पूछा गया सवाल है याद रख लीजिए लूर डांस अगर आपसे पूछा जाए कि लूर डांस का है तब आप कह दोगे कि हरियाणा का है लूर डांस ठीक है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए लावनी डांस या फिर तमाशा डांस कौन सा लावनी और तमाशा बहुत ही फेमस लोक नृत्य है कहाँ के महाराष्ट्र लावनी तो खासकर बहुत ही फेमस है है ना तो ये आपको कुछ डांसेस याद रखने हैं ठीक है आगे बढ़े अच्छा एक और डांस आपसे पूछा जाता फाग फाग भी जो है हरियाणा का है कहाँ का है फाग हरियाणा का है ठीक है राजस्थान की अगर मैं बात करता हूँ और डांस अगर हमसे पूछ लिया जाए तो भवाई की जगह आपसे पूछा जा सकता है ठीक है कलबेलिया ठीक है कौन सा कलबेलिया पूछा जा सकता है ठीक है घूमर पूछा जा सकता है घूमर ठीक है चकरी पूछी जा सकती है चकरी ठीक है चकरी ये सारे सारे फेमस डांस है कहाँ के राजस्थान के अगला क्वेश्चन निकेटर सेंट्स मैगस्थिनीज एज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर कह रहे हैं सेल्यूकस प्रथम जो निकेटर थे उन्होंने मैगस्थिनीज को किस शासक के दरबार को राजदूत बनाकर भेजा था बिंबिसार महापद्मनंदा अशोका और चंद्रगुप्त तो मौर्य बहुत सिंपल था क्वेश्चन डी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे चंद्रगुप्त तो मौर्य अब देखिए चंद्रगुप्त तो मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे ठीक है अब सवाल उठेगा कब इन्होंने स्थापना की तो ये संस्थापक तो थे बिल्कुल नो डाउट ठीक है फाउंडर ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है कब स्थापना की गई तीन सौ बाईस बीसी में बिफोर क्राइस्ट में किसको हराकर नंदा डायनेस्टी के आखिरी राजा को हराकर नंद वंश के आखिरी राजा को हराकर जिनका नाम था धनानंद क्या नाम था धनानंद नाम था यह भी याद रखेगा अब सवाल ये उठेगा आपसे कि अच्छा सेल्युकस निकेटर ने भेजा मैगस्थिनि को तो सेल्युकस की लड़ाई भी हुई थी किसके साथ ठीक है तो सेल्यूकस की लड़ाई हुई थी

और किसी ने अभी तक तो नहीं बताया है हाँ अजय दास ने बताया अजय दास वेरी गुड 269, 369 नाइन नहीं दोस्तों उसमें तो उल्टा चलता था ना ईयर 322 आएगा फिर 302 आएगा फिर उसका 300 आएगा ऐसे उल्टा चलता था तो 269, 269 नाइन में इनको राजा बना दिया गया और 8 साल के बाद ठीक है 8 साल के बाद इन्होंने जस्ट 8 ईयर के बाद कलिंग युद्ध लड़ लिया 8 साल माइनस कर दीजिए टू सिक्सटी ठीक है तो कलिंग युद्ध कभी पूछा जाए ना आपसे कि कलिंग युद्ध की लड़ाई कब हुई थी तो आपको आंसर होना चाहिए दो कब दो सौ मार्च ट्वेंटी मार्च 2022 निम्नलिखित में से कौन जो है 2022 में भारत की तेईसवीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है तानिया सचदेव पद्मिनी राउत और प्रियंका नोतंकी जल्दी से बताइए फटाफट से डी ऑप्शन ओके बाकी लोग चलिए जितने लोग यहां पर कह रहे हैं सर डी ऑप्शन डी ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका की इस दी करेक्ट आंसर ठीक है अब सवाल उठता कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर तो आपको उनका नाम तो बिल्कुल अच्छे से याद होगा ठीक है विश्वनाथ आनंद जी कौन विश्वनाथ आनंद जी किस वर्ष में तो आपको याद रखना है 1988 में 1988 में ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा अभी बयासीवें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे तो बताइए वी परनीत बने थे क्या वी परनीत ठीक है और इक्यासवें कौन बने थे तो सायंतन दास जी कौन सायंतन दास तो ये आपको ध्यान रखना अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लेटेस्ट न्यूज है लेकिन ये कि भैया बताइए विश्वनाथ आनंद जी जो कि दो पांच बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं उनको किसने हराया किस ग्रैंड मास्टर ने अभी हाल ही में आई गेस जून के महीने में ही हराया था तो किस ग्रैंड मास्टर ने हराया था फटाफट से बताइए वेरी गुड अंगद जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको ठीक है शर्मा जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है रूपाली जी बिल्कुल डी गुकेश कौन डी गुकेश ने हराया था या गुकेश डी भी बोल दीजिए कई जगह आपको गुकेश डी लिखा होगा तो डी गुकेश जी ने विश्वनाथ आनंद जी को हराया था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन वैन वॉज दी अटल पेंशन योजना लॉन्च अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी पंद्रह अगस्त नाइनटीन नाइनटी तेरह फरवरी 2016, हजार सोलह नौ मई दो हजार पंद्रह और बारह अप्रैल दो हजार पांच कब हुई थी अटल पेंशन योजना की शुरुआत हाँ डी गुकेश बिल्कुल करेक्ट आंसर जो लोग बता रहे हैं पिछले का यहां पर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां आप कह रहे सर होना चाहिए सी ऑप्शन सी ऑप्शन 2015 15 ठीक है जितने लोग 2015 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बढ़े ठीक है अच्छा दोस्तों एक बात बताइए इसका बाद में ना नाम बदल दिया गया था अटल पेंशन योजना का नाम बदल दिया गया था बाद में तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था अटल पेंशन योजना का नाम बदलकर फटाफट से बताइए अभी किसी का भी नहीं आया है नहीं 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 देखिए इसका बाद में नाम बदलकर ये कर दिया गया स्वालंबन क्या स्वालंबन योजना स्वालंबन योजना ठीक है ये आपको ध्यान रखना है इसको किया गया था या इसका नाम बदल के ये कर दिया गया फटाफट से बताइए तो बोलेंगे स्वालंबन योजना को इसने रिप्लेस किया, राइट? स्वालंबन योजना को जो है अटल पेंशन योजना ने रिप्लेस कर दिया गया था और कब ये आया 9 नौ मई 2015 को इसमें देखिए पेंशन रेंज होती थी हजार से लेके पांच हजार रुपए तक कितनी हजार से पांच हजार रुपए तक की ठीक है पेंशन रेंज जो थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगला सवाल व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ रूरल इंडिया एज पर सेंसस 2011 जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी तिरासी दशमलव तीन करोड़ सितिहत्तर दशमलव तीन करोड़ सैंतीस दशमलव तीन करोड़ और इनमें से कोई भी नहीं ठीक है यहां पर तिरासी तिरासी जितने लोग तिरासी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा एट्टी थ्री पॉइंट थ्री करोड़ इज दी करेक्ट आंसर कितना तो होगा एट्टी थ्री पॉइंट थ्री करोड़ हो जाएगा ठीक है अच्छा अगर एक बार आपके आईसीआर में पूछा गया था कि मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में है ठीक है मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में ठीक है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो आपका आंसर क्या होगा लक्षद्वीप ठीक है आई गेस ये सीजीएल uh, का ही है लक्ष्यदीप वाला ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार पूछ लिया जाता साक्षरता दर पूछ ली जाएगी लिंगानुपात पूछ लिया जाएगा या फिर जनसंख्या घनत्व तो आपको ये सब याद रखना ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा 2020 ओलंपिक गेम हेल्ड इन 2020 ओलंपिक जो है कहां पर हुआ था सिंपल सा क्वेश्चन टोक्यो में रियो डी डिजिन पेरिस और बीजिंग कहां पर हुआ था यहां पे कह रहे सर होना चाहिए टोक्यो टोक्यो जितने लोग टोक्यो कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो क्या होगा टोक्यो करेक्ट होगा रियो डी डिजिनियो में 2016 में हुआ था पेरिस में कब होगा 2024 में ठीक है 2020 में टोक्यो राइट फिर उसके बाद 2028 में लॉस एंजलिस कहां पे लॉस एंजलिस ठीक है दो में तो आप कहेंगे ब्रिस्बेन ब्रिस्बेन कहां पे ऑस्ट्रेलिया में या आपको याद बीजिंग दो ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े चलिए अगला सवाल Who appoint the Attorney General of India? भारत के महानिवादी अटोर्नी जनरल जो होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है प्राइम मिनिस्टर करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेसिडेंट या फिर इनमें से कोई भी नहीं करता है यहां पे कह रहे सर होना चाहिए प्रेसिडेंट ओके बाकी लोग क्या कहते हैं चले जो लोग प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कह रहे हैं उनका यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर अब सवाल उठेगा अटॉर्नी जनरल किस जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद में है तो याद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल छिहत्तर में और अभी कौन है आर वेंकट रमानी जी है क्या आर वेंकट रमानी जी इनका नाम ध्यान रखेगा देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में सोलिसिटर जनरल रीअपॉइंट कौन हुए थे फटाफट से बताइए सोलिसिटर जनरल अभी कौन है अभी प्रेजेंट में कौन है ये आप लोग बताएंगे फटाफट से सॉलिसिटर जनरल हाँ तुषार मेहता बहुत ही बढ़िया तुषार मेहता जो लोग है। है? कौन है चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है बने हैं हाल ही में सीवीसी कौन बने थे नाम याद है फटाफट से बताएंगे सभी लोग चार लोग लाइव है फटाफट से एक बार लाइक और शेयर करते हुए पांच के ऊपर लेके चलते हैं प्रवीण कुमार जी ठीक है ओके प्रवीण कुमार बहुत बढ़िया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव अगले क्वेश्चन बढ़े अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विटामिन सी निम्नलिखित में से किस अम्ल को जो है विटामिन सी के रूप में जाना जाता है मेथनोइक एसिड एस्कॉर्बिक लैक्टिक और टार्ट्रिक किसको जानते हैं हम लोग यहां पे कह सर एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक जो लोग एस्कॉर्बिक कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा को हम लोग क्या लिखते हैं सी एच थ्री नहीं, नहीं. क्या लिखते हैं एच सी ओ ओ एच लिखते हैं क्या मिथुनोइक को ठीक है मिथिनोइक जल्दी से बताइए इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं क्या फॉर्मिक एसिड ये किस में पाया जाता है आंट स्टिंग जो चीटी काटती है ना आंट स्टिंग उसमें पाया जाता है ठीक है लैक्टिक एसिड किसमें मिलता है मिल्क में मिलता है मिल्क में ठीक है और एसिड जितने भी खट्टे फ्रूट होंगे ना खट्टे फ्रूट ठीक है जैसे कि आंवला हो गया ठीक है ऑरेंज हो गया ठीक है, लेमन हो गया इसमें मिलेगा आपको ठीक है टाट्रिक एसिड किसमें मिलेगा ये ग्रेप्स में मिलेगा, इमली इमली आपने खाई इमली बिल्कुल खाई होगी ठीक है तो इमली में मिलेगा अच्छा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इथनोइक एसिड ठीक है इथनोइक क्या होगा इथनोइक एसिड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इथनोइक एसिड जो है ये आपको में मिलेगा ये मिल जाएगा आपको विनेगर में सिरके में जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सिरका विनेगर ठीक है फॉर्मुला क्या होता है CH3, इसी को हम लोग एसिटिक एसिटिक एसिड एसिड भी भी कहते कहते है? एसेट भी कहते हैं 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 क्या तो कंफ्यूज नहीं होना है तो एसेट, एसेट है है तो एसिड एसिड एसिटिक सेम ठीक आगे बढ़े यस ऑक्सिल एसिड टोमेटो में पाया जाता है लेकिन लास्ट टाइम आपसे टोमेटो नहीं पूछा था उसकी जगह स्पिनच पूछ लिया था कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन था और कंफ्यूज करने के लिए आपके सीजीएल में पूछा गया था कि स्पिनच में क्या पाया जाता है तो ऑक्सिलिक एसिड पाया जाता है ठीक है तो ये याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला क्वेश्चन इन इनविच इवेंट ऑफ टोक्यो पैरालंपिक 2021 हजार इक्कीस अवनि लेखेरा वो गोल्ड मेडल सिंपल सा क्वेश्चन है घुमा फिरा के दे रहा है सिर्फ आपको बताना अवनी लेखेरा जो है किस खेल से संबंधित है अगर वो याद होगा तो आप आंसर कब जाओगे टो, टोक्यो पैरालंपिक दो हजार इक्कीस में अविनी लखेरा ने स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता डिस्कस थ्रो जेवलिन थ्रो हाई जंप और शूटिंग

ठीक है सीएचएसएल का क्लास कब से लोगे सर सी एच एल का दोस्तों कल से स्टार्ट हो जाएगा ठीक है उसकी टेंशन मत लीजिए आज CGL का इसलिए करा क्योंकि बहुत समय से आपको पता है मैं भी नहीं था और अभी आपका एग्जाम चलने वाला है तो इसको हम लोग यहां कर ले रहे सी एच एस ए फायदेमंद रहेगा ठीक है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवरी पेयर इज नॉट करेक्ट आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक की खोज जो है उनके साथ सही तरीके से सुमिलित नहीं है अर्नेश रदरफोर्ड कह रहे हैं कह रहे हैं कि सर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ठीक है थॉमस एडिशन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब होना चाहिए अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे थे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और

आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला सवाल ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन एयर कह रहे हैं आर्द्रता वायु में मौजूद डैश की मात्रा है स्मोक वाटर वेपर कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट किसकी मात्रा है फटाफट से बताइए जल्दी जल्दी से कह रहे सर वाटर वेपर होना चाहिए कुछ लोग कह रहे सर ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा वाटर वेपर अच्छा अगर आपसे मैं सवाल पूछूं क्या वाटर वेपर जो है ये ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है जल्दी से मुझे बताइए क्या ये ग्रीन हाउस गैस है या फिर नहीं है अगर है तो यस करेंगे नहीं है तो नो करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन यस 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 नो नो नहीं मत no, मत कहिए yes. ये है है यस yes. ठीक है याद रखिएगा अच्छा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो स्मॉग होता है स्मोग एस एम ओ जी स्मॉग ये किससे बना होता है तो ये स्मोग मतलब धुआं Plus, fog, जो कोहरा होता है आप लोगों ने देखा होगा ठंड में दोनों से मिलकर बनता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कह रहे हैं कौन सा जो अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय के जो है आ, रिट क्षेत्र अधिकार से संबंधित है एक सौ उनतीस एक सौ चौबीस तेरह और बत्तीस फटाफट से बताइए तो लेकिन आपसे पूछा रिट्स के बारे में तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बत्तीस ठीक है बत्तीस एक सौ चौबीस में सुप्रीम कोर्ट है नो no डाउट लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगाना था हमें लगाना था कि रिट्स जो है वो किस में मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट उसका इस्तेमाल करता है ठीक है आर्टिकल बत्तीस जो है ना इसको हृदय और आत्मा भी कहा गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब किसने कहा ये पूछा जाता है तो आप बताइएगा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किसने कहा है बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा है नो डाउट ठीक है अब इसमें कितने रिट्स है ये पूछ लेंगे तो भाई पांच रिट्स हैं नो डाउट

ये किसको दर्शाता है किस रिट्स को दर्शाता है इन पांचों में से तो आपका आंसर क्या होगा वी कमांड ठीक है अगर पूछा जाए एग्जाम में जल्दी से बताइए 490 लोग लाइव हैं दोस्तों फटाफट से एक बार क्या करेंगे लाइक like और शेयर करते हो 500 के ऊपर लेके चलते हैं। हैं। yes, यस को कहते वी कमांड किसको को कहते हैं। यहाँ पे, में से किसे मर्णोप्रांत जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पंडित मदन मोहन मालवीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण और विनोबा भावे किसको नहीं दिया गया है मरणोप्रांत यहां पे कह रहे सर सुभाष चंद्र बोस कई लोग कह रहे हैं ओके बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा <coughs> चले जो लोग सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चले आगे और उनको अच्छा दिया कब गया गया था ये आपको बताना है दिया कब गया अगर दिया गया है तो कब दिया गया है ईयर बताइए हाँ यहाँ पे ऑप्शन करे, करेक्ट हो गया ठीक है दो नहीं 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 दो नहीं है नही दो में तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी जी को भूपेन हजारिका जी को दिया गया था 1958 कह रहे कई लोग 1994 भी कह रहे हैं ओके ठीक है अच्छा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्नीस सौ में घोषित किया गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी को जो है क्या मिलेगा भारत रत्न राइट ये आपको ध्यान रखना है चले आगे की तरफ ठीक है ठीक है अच्छा ये भी मैं बता दूं कि घोषित किया गया था और बाद में उनकी जो डॉटर है डॉटर कौन उनकी जो पुत्री है उन्होंने मना कर दिया था मना कर दिया था भारत रत्न लेने से ठीक है भारत रत्न की शुरुआत से से हुई थी 1954 से। और उनकी डॉटर ने मना कर दिया था उनकी डॉटर का नाम क्या था ठीक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा थर्ड होमवर्क है लिख लीजिए ठीक है हाँ यहाँ पे किसी ने लिखा भी है सर उनकी बेटी ने मना कर दिया था बिल्कुल सही बात है उनकी बेटी ने मना कर दिया था लेकिन उनकी बेटी का नाम क्या है होमवर्क नंबर थर्ड है कमेंट बॉक्स में बताइएगा अच्छा ऑप्शन भी दे दूंगा बाद में लेकिन ऑप्शन चले दे देते हैं ऑप्शन दे देते हैं मीना बोस ठीक है आ, अनीता बोस आ, रजनी बोस भावना बोस ठीक है या आपके पास चार ऑप्शन है दो तीन चार चलिए आगे बढ़े यहां पे कह रहे सर अनीता हम बोल रहे हैं ठीक है अनीता बोल रहे हैं जो जो लोग अनीता बोल रहे हैं तो दोस्तों होमवर्क था वो यहीं पे सबको बता दोगे सारे लोग आंसर दे देंगे ठीक है अनिता बोस वैसे करेक्ट आंसर है जो लोग अनीता बोस बोल रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन अच्छा चीता हैज बीन री इंट्रोड्यूस इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया अभी जो चीता को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है फिर से पुनः लाया गया है पन्ना नेशनल पार्क पेंच नेशनल पार्क माधव और कूनो ये तो न्यूज में भी था है ना फटाफट से बताइए यहां पे कह रहे सर कूनो नेशनल पार्क ओके

ये पूछ सॉरी टाइगर कितने हैं तो टाइगर अभी काउंट जो हुए थे टाइगर काउंट तीन हजार एक सौ सड़सठ हुए थे ये आपको ध्यान रखना है ठीक है और जो चीता लाए गए थे ना वो नामीबिया और अफ्रीका से लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में और कूनो नेशनल पार्क कहां पर है मध्य प्रदेश में है इसलिए अपन ने इसको डिस्कस किया ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा विच ऑफ दी फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर पाइका डांस आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है पाइका नृत्य के लिए फेमस है केरला है तमिलनाडु है उड़ीसा है और मणिपुर है पाइका नृत्य फटाफट फड़ से बताइए यहां पर उड़ीसा होना चाहिए ओके चलिए जो लोग उड़ीसा उड़ीसा कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे उड़ीसा हो जाएगा अच्छा अब ये पूछा जाएगा कि कौन सी ट्राइब इसको परफॉर्म करती है तब आपका आंसर होना चाहिए मुंडा ट्राइब कौन सी ट्राइब मुंडा ट्राइब मुंडा ट्राइब अच्छा अगर आपसे पूछेंगे उड़ीसा में इसकी शुरुआत तो हुई लेकिन किस जिले से हुई थी तो खुदरा जिला है ठीक है कौन सा खुदरा जिला खुदरा डिस्ट्रिक्ट ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब देखिए आपके एग्जाम में पूछेगा तो पंथी डांस पंथी डांस कहां का है फटाफट से कमेंट करके बताइएगा जल्दी जल्दी से पंथी डांस कहाँ का एग्जाम में पूछा गया सवाल छत्तीसगढ़ 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 ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ ये आपके एग्जाम में पूछा गया छत्तीस लिख लें शॉर्ट फॉर्म में वैसे तो छत्तीसगढ़ है तो इसको ऐसे ही लिखिएगा ठीक है ऐसे मत लिखिएगा नहीं तो व्हाट्सअप मैसेज कहलाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक थी क्या वेस्ट बंगाल की उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र की और गुजरात की कहां से थी फटाफट बताइए ये कह रहे हैं सर होना चाहिए बहुत ही बढ़िया हाँ पंडवानी भी वहीं का है मदई भी छत्तीसगढ़ का है बिल्कुल सही यूपी कह रहे हैं करेक्ट आंसर यहाँ पे जाएगा उत्तर प्रदेश ठीक है उत्तर प्रदेश इज दी करेक्ट आंसर अगला सवाल आपके लिए हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं 100 111 311 और चार और आपको ये भी बताना है सबसे बड़ा कौन सा ठीक है फटाफट बताइए हंड्रेड वन हंड्रेड इलेवन थ्री हंड्रेड इलेवन और फोर हंड्रेड वन कितने जलमार्ग हैं भारत में यहां पे चलिए जो लोग यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे वेरी गुड टू टू ऑप्शन जो लोग एक सौ ग्यारह एक सौ ग्यारह ठीक है तो 111 करेक्ट आंसर होगा और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा नेशनल वाटर वे वन क्या होगा नेशनल वाटर वे वन ठीक है अब सवाल ये उठता है नेशनल वाटर वे जो है वन ये किस नदी पे है तो ये गंगा नदी पे है ठीक है गंगा नदी पे अच्छा कहां से कहां तक है तो आपको याद रखना इलाहाबाद से हल्दिया कहां से कहा इलाहाबाद से हल्दिया ठीक है कितने किलोमीटर का है अप्रोक्सिमेटीन हंड्रेड किलोमीटर का ठीक है सोलह सो किलोमीटर आगे बढ़े सोलह सो प्लस याद रखेगा और द, दूसरा है वो नेशनल बॉर्डर वे टू है आठ सौ दस किलोमीटर का अगला क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दी फंडामेंटल राइट संविधान का कौन सा जो है भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग एक भाग तीन भाग दो और भाग चार और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए है, भाग तीन क्योंकि भाग एक में क्या है यूटी है यूनियन टेरिटरी ठीक है भाग दो में क्या है नागरिकता है सिटीजनशिप और भाग चार में क्या है डीपीएसपी है क्या है डीपीएसपी और भाग तीन में जो है वो मौलिक अधिकार है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज इन इंडिया एज पर दी 2011 हजार कह रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या था बत्तीस प्रतिशत बाईस बयालीस और पैंतीस कितना था फटाफट से बताइए जल्दी से बताएंगे फिर इसके बाद आप लोग रैपिड फायर भी करने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कर वेरी गुड बाईस, बाईस जो लोग बाईस कह रहे हैं ठीक नहीं दोस्तों पूछा है ना तो बयालीस कई लोग बत्तीस भी कर रहे हैं नहीं, नहीं बाईस इज दी करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन गुरु बिपिन सिंह इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस ठीक है गुरु बिपिन सिंह जो थे निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रति प्रतिपादक प्रति सॉरी प्रसिद्ध थे किस नृत्य के लिए मोहिनीअट्टम कुचिपुड़ी उड़ीसी और मणिपुरी कुचिपुड़ी नहीं कुचिपुड़ी गलत है मणिपुरी जो लोग कह रहे हैं सर डेली करंट अफेयर यस डेली करंट अफेयर कल से बिल्कुल होगी तो मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा ठीक है मंडे टू फ्राइडे जैसे पहले चलती थी सुबह छह से सात बजे जहां पे हम लोग करेंगे डीसीए डीसीए मतलब डेली करंट अफेयर राइट चलिए तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मणिपुरी डांस ठीक है अगले क्वेश्चन हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2023? 2023 निम्नलिखित में में से किसने गणतंत्र दिवस परेड पहली बार एक झांकी प्रदर्शित की है क्या वो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वेरी गुड कहा बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या बात है इतनी जल्दी एकदम करेक्ट आंसर नार्कोटिक, नार्कोटिक तो नार्कोटिक यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा अगर ये पूछ लेता मैं कि बताइए इस बार के गणतंत्र दिवस पर जो है किसने किस राज्य की झाकी जो है प्रथम स्थान प्राप्त की थी तो वो थी उत्तराखंड क्या थी उत्तराखंड ठीक है ये आपको याद रखना है फर्स्ट पोजिशन जो थी वो किसकी थी उत्तराखंड की थी यह आप याद रखें ठीक है आगे बढ़े

यहाँ पे कई लोग कह रहे सर ओनली वन होना चाहिए कई लोग कह रहे सर बोथ होना चाहिए सबके अलग अलग आंसर तो चलिए जितने लोग यहाँ पर कह रहे हैं सर ओनली वन या फिर बोथ कह रहे हैं तो उन दोनों के ही गलत आंसर हो जाएंगे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ठीक है यहाँ पे सबके गलत आंसर हो गए गलत आंसर क्यों हो गए वो भी हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहां पे हम समझते हैं पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसके बारे में मध्य प्रदेश से तो निकलती है बिल्कुल सही बात है देवास जिला जो है ये एक्चुअली विंध्या रेंज ठीक है विंध्या रेंज से निकलती है विंध्या रेंज से निकलती है विंध्या रेंज ठीक है देवास जिला कौन सा जिला देवास डिस्ट्रिक्ट देवास डिस्ट्रिक्ट कहां पर है मध्य प्रदेश में है वहां से होकर यह राजस्थान की तरफ में जा, जा, जाती है ठीक है राजस्थान में भी एंटर करती है राजस्थान में तो आपको यहां पर यह याद रखना है इन्होंने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कह दिया तो महाराष्ट्र तो गलत हो गया तो स्टेटमेंट वन गलत हो गया ठीक है दूसरा क्या कह रहे हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा जबकि ट्रिब्यूटरी ऑफ ये क्या है चंबल है ठीक है तो चंबल यहाँ पे करेट आपको याद रखना था तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत हो गए ठीक है नीदर वन नॉर टू दोनों ही भाई गलत है यहां पे अच्छा आपको ये भी याद रखना इसकी लंबाई कितनी है तो 550 किलोमीटर कितनी है 550 किलोमीटर लंबाई ठीक है लेंथ अगले क्वेश्चन पर चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा तो नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर अगला सवाल आर्टिकल 43 थ्री

आपको यह भी याद रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किसमें दिया गया तो अनुच्छेद चालीस में ठीक है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यह किसमें दिया गया है तिरालीस ए में दिया गया है किसमें दिया गया है तिरालीस ए में ठीक है किसमें तिरालीस अर्टिकल फोर्टी थ्री यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल फोर्टी फोर अनुच्छेद चौवालीस ठीक है अगला क्वेश्चन डैश इज यूज इन पेरिस्कोप जो है सॉरी परिदर्शी में डैश प्रयोग किया जाता है किसका इस्तेमाल किया जाता है परिदर्शी में प्लेन मिरर प्रिज्म में कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस किसका इस्तेमाल होता है फटाफट से बताएंगे

कह रहे हैं मीरा बाई चानू या फिर आ, यहाँ पे मैरी कॉम मैरी कॉम भी गलत है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे लॉबलीना बॉर्गेन क्या हो जाएंगी लॉबलीना बॉर्गेन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पे लॉवलिना बॉर्गेन कितनी कौन सी कैटेगरी में खेलती हैं 69 नाइन के जी कैटेगरी में पार्टिसिपेट करती हैं कौन से खेल से संबंधित हैं ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता था और जो है आ, आसाम की तरफ से पहली महिला बनी थी ठीक है आगे बढ़े अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा व्हिच वर्क विल नॉट बी डन प्रॉपर्ली इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन अ सेल देखिए कोशिका में अगर राइबोसोम ना हो या उसकी अनुपस्थिति होगी एब्सेंस होगा तो कौन सा कार्य ठीक से नहीं होगा एमिशिया नहीं होगा सेल डिवीजन प्रोटीन सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस क्या नहीं होगा दोस्तों ऑब्वियस ही बात है हम लोग इसको क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं ना राइबोसोम को हम लोग कहते क्या हैं प्रोटीन फैक्ट्री और रीजन क्या है इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर टू इशू रिट्स कह रहे नहीं, तो प्रोटीन कैसे होगा? के uh, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है बत्तीस तीन सौ चौवन दो तीन सौ उनसठ देखिए कई लोगों ने बत्तीस भी कह दिया था बत्तीस नहीं दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िएगा क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ पे हाई कोर्ट लिखा है सुप्रीम कोर्ट इन्होंने नहीं लिखा है हाई कोर्ट लिखेगा तो 226 पे हम चले जाएंगे किस पे आर्टिकल 226 पे अगर सुप्रीम कोर्ट कहता तो हम आर्टिकल 32 लगाते ठीक है अगला क्वेश्चन उस्ताद अल्लाह राखा वॉज फेमस फॉर प्लेइंग द डैश उस्ताद अल्लाह राखा जो थे वो डैश को बजाने के लिए ठीक डैश वाग यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे तबला सितार सरोड और बासुरी किसके लिए फेमस थे ये

आधान 2020 देखिए जब भी खेल का आखिरी संस्करण ना जैसे ओलंपिक हो गया पैरालंपिक हो गया एशियन गेम हो गया कॉमनवेल्थ गेम हो गया इनका जो आखिरी संस्करण रहता है उससे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो टोक्यो का जो पैरालंपिक हुआ था उसमें पूछा जा रहा है जो सिंहराज जी थे आ, ठीक है यहां पे भारतीय निशानेबाज सिंगराज अधाना ने टोकियो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों की डैश एयर पिस्टल एस में कहां से पदक जीता था दस मीटर की पैसठ मीटर पच्चीस मीटर या पचास मीटर दस 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 तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दस मीटर करेक्ट आंसर होगा ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग आर्टिकल सोलह ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद सोलह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प सही है क्या वो इक्वल अपॉर्चुनिटी एबोल्यूशन टाइटलूशन ऑफ अनटचेबिलिटी या फिर इक्वल इक्वलिटी बिफोर लॉ ए ऑप्शन ए ऑप्शन तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो लोग कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो क्योंकि देखिए ऑफ टाइटल जो है अनुच्छेद 18 में है ठीक है टचेबिलिटी अनटिलिटी जो है आर्टिकल सत्रह में और equality बिफोर लॉ जो है आर्टिकल चौदह में ठीक है याद रखेगा अगला सवाल वेयर वर द सेकेंड खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम ऑर्गेनाइज इन 2021? ठीक है 2021 में दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया था शिमला में सोनमार्ग सोनमर्ग में या फिर श्रीनगर या फिर गुलमर्ग में कहा गया था शिमला कह रहे हैं कुछ लोग गुलमर्ग कह रहे हैं बाकी लोग क्या कहेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चलिए यहां पे जितने लोग कैरे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर आपका फोर फोर गुलमर्ग इस दी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फोर करेक्ट आंसर होगा गुलमर्ग में हुआ था ठीक है अगले सवाल बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग जाति कास्ट एंड जनजाति सहित पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए सरकार को विशेष प्रावधान करने के सक्षम बनाया है पंद्रह एक पंद्रह दो पंद्रह तीन और पंद्रह चार यहां पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे सीजल पूछता है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है तो कुछ लोग कह रहे सर पंद्रह तीन होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते हैं चलिए जितने लोग यहां पे पंद्रह तीन पंद्रह तीन पंद्रह तीन कह रहे हैं उनका यहां पर क्या हो जाएगा गलत आंसर होगा पंद्रह चार करेक्ट आंसर होगा फिफ्टीन फोर ठीक है पंद्रह चार आगे बढ़े हाँ पंद्रह चार मतलब ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच इंडियन टेरिटरी वॉज फॉर्मरली नोन एज ब्लैक वाटर बिफोर इंडिपेंडेंस कह रहे हैं स्वतंत्रता से पहले किस भारतीय क्षेत्र को जो है ब्लैक वॉटर ठीक है के नाम से जाना जाता है कालापानी लक्षदीप ग्रुप अंडमान निकोबार डी और यहाँ पे अलिया बेतन और खादियाबेत अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर क्या होगा अंडमान निकोबार करेक्ट आंसर होगा अगले सवाल बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन इन इनविच स्टेट यहां पे दस कठिया डांस जो है परफॉर्म किया जाता है दस कठिया डांस कहां पे परफॉर्म किया जाता है ये आपको बताना है उड़ीसा केरला कर्नाटका या इनमें से कोई नहीं दस कठिया डांस यहां पे कह रहे सर ए ऑप्शन होना चाहिए चलिए तो यहां पे करेक्ट आंसर जो लोग उड़ीसा उड़ीसा कह रहे हैं दस कठिया दस कटिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है ठीक है क्या होगा उड़ीसा दलखई भी यहीं का है ये आपको ध्यान रखना है पायका डांस यहीं का है ठीक है चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट संविधान का कौन सा भाग जो है ये तो ऑलरेडी अपन ने कर लिया ठीक है भाग तीन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सोनल मानसिंह सोनल मानसिंग वॉज द संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड इन एटी सेवन शीज अ डांसर. सोनल मानसिंह को उन्नीस सौ सतासी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह एक प्रशिक्षण यहां पर प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है मणिपुरी कुचिपुरी उड़ीसी और बिहू किससे हो जाएंगी ये मणिपुरी कह रहे हैं सोनल मानसिंह दोस्तों देखिए यहां पे करेक्ट आंसर होंगे उड़ीस देखिए जब मैंने कहा था कि सोनल मानसिंह का नाम आ जाए तो उड़ीसा को टिक लगाना है अगर उड़ीसा ऑप्शन में ना हो तो आप किसको टिक लगाएंगे भरतनाट्यम को भरतनाट्यम यहाँ पे ऑलरेडी नहीं दिया गया तो उड़ीसा में ही हम लोग टिक लगाएंगे अब इस इस सवाल से एक सवाल बनता है कि बताइए सोनल मानसिंह जो कि बहुत ही फेमस उड़ीसी डांसर है उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड किस वर्ष में दिया गया था यह टफ क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि आपको ईयर पूछा जाएगा तो उन्नीस ठीक है आगे बढ़े चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 2022 एशियन गेम टू बी हेल्ड एड दो यहां पर बीजिंग बीजिंग कई लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अब दोस्तों फायर करेंगे क्योंकि अब समय है नहीं ठीक है छह बजे तक ये क्लास चलेगी तो आप रैपिड फायर फटाफट से क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे ठीक है लेकिन उससे पहले क्या करेंगे सभी लोग एक बार फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए चलेंगे अगला सवाल आपके लिए ठीक है अगला सवाल ओ भाई अगला सवाल हां जी विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी दो हजार बाईस तेईस ट्रॉफी दो हजार बाईस तेईस किस टीम ने जीती थी कर्नाटका दिल्ली विदर्भ और सौराष्ट्र किसने जीता था यहाँ पे सौराष्ट्र सौराष्ट्र कह रहे हैं करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल वाटर राइजेस अप कैपिलरी ट्यूब बिकॉज ऑफ पानी एक जो है कोशिका ट्यूब में वजह किस वजह से जो है उठता है ऊपर की तरफ इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी और इट्स डेंसिटी किसकी वजह से ऊपर उठता है बी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग सी कह रहे हैं करेक्ट आंसर है आप क्या होगा बी ऑप्शन होगा सरफेस टेंशन क्या होगा सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है तो तो सरफेस टेंशन का होता होता है length, तो होता है फोर्स अपॉन लेंथ न्यूटन पर मीटर ठीक है अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला सवाल ठीक है विच मौर्य मौर्य रूलर वॉज कॉल्ड एमित्रोचेट्स अमित्रोचेट्स ग्रीक्स ठीक है किस मौर्य शासक को जो है यूनानियो द्वारा अमित्रात कहा गया था समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त बिंदुसार और कनिष्क क्या कहा गया था फटाफट बताइए यहाँ पे चंद्रगुप, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएंगे भाई बिंदुसार बिंदुसार को कहा गया था ठीक है चलिए तो याद रखिएगा अमित किस किसको कहा गया है बिंदुसार को कहा गया है ना कि चंद्रगुप्त को कहा गया है चलिए अगला सवाल हु अमंग द फॉलोइंग इज दिस एसोसिएटेड विद तबला ठीक है निम्नलिखित में से कौन जो है तबले से संबंधित है पन्ना लाल घोष है रोनू मजूमदार हैं अयंगर है या अल्लाह राखा खान है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पन्ना लाल पन्ना लाल तबला से कैसे हो सकते हैं दोस्तों पन्ना लाल तो बासुरी से संबंधित है ठीक है यहां पे फटाफट बताइए जो लोग ऑप्शन नंबर फोर फोर कह रहे हैं ना उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर फोर अल्लाह राखा करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है जो लोग पहले कह रहे थे यहाँ पे दोर स्वामी एंगर ये किससे संबंधित है सभी लोग बताएंगे ये किससे संबंधित देखिए रोनू मजूमदार जो है ये भी क्या है एक फ्लूट बजाते हैं ठीक है, है? पन्ना लाल भी फ्लूट बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी भी फ्लूट बजाते हैं अल्लाह राखा खान जो है ये दोस्तों जाकिर हुसैन जी के पिता है और ये तबला बजाते थे ठीक है अगला क्वेश्चन तो अल्लाह राखा खान करेक्ट आंसर होंगे अगला सवाल जो है विच ऑफ इतिहासकार इंडिका का लेखक था मैगस्थीनीस करेक्ट आंसर होंगे ठीक है अगला सवाल आपके लिए भीमसेन जोशी भीमसेन जोशी इज एसोसिएटेड विथ डैश भीमसेन जोशी जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं सरोड से फिल्म से वोकल म्यूजिक से या फिर कथक से भीमसेन जोशी यहां पे कह रहे सर होना चाहिए सी ऑप्शन ओके बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे सी करेक्ट है या फिर नहीं है जो लोग वोकल म्यूजिक वोकल म्यूजिक कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा वोकल म्यूजिक ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा हु द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे सुकुमार सेन एस पी सेन वर्मा वर्म, बीवी टंडन या आर के त्रिवेदी कौन थे यहाँ पे सुकुमार सेन सुकुमार सेन जो लोग सुकुमार सेन कह रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाए अच्छा ये तो पहले थे प्रेजेंट में अगर पूछेगा तो प्रेजेंट में राजीव कुमार जी कौन है प्रेजेंट में राजीव कुमार ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा इन जनवरी 2022 मिशेल ओबामा वाज कंफर्ट विद द ग्रैमी अवार्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स ठीक है जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बिकमिंग लास्ट क्रिसमस वाइट रोज और द रिवर बिकमिंग बिकमिंग कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा बिकमिंग अच्छा अभी आपके आपके एग्जाम में uh, SSC जो सिलेक्शन फेज हुए थे इलेवन उसमें पूछा गया था ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसकी पुस्तक है ये पूछी गई थी और आपको यहां पर लगाना था बराक ओबामा जी ठीक है और बराक ओबामा जी जो है वो किसके हस्बैंड है मिशेल ओबामा के ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे अगला क्वेश्चन MTS में भी आया था ओके, कह रहे सर एमटीएस में भी आया था ओके, नदी घाटी तो भाग डैश में स्थित है कहां पे? गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र महाराष्ट्र कर्नाटक छत्तीसगढ़ राजस्थान प्रदेश और उत्तर प्रदेश कहां पर है कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट बी ऑप्शन ओके बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा चले जो लोग बी ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जाएगा बी ऑप्शन आगे बढ़ते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा ड्यूरिंग द बैटल ऑफ चंदेरी और सीज ऑफ चंदेरी द मुगल एम्पर डैश है चंदेरी की लड़ाई जो थी ठीक है आ, उसमें घेराबंदी के दौरान मुगल सम्राट डैश ने पंद्रह सो अट्ठाइस में राजपूतों को हराया था अकबर जहांगीर बाबर और हुमायूं यहां पे कह रहे सर होना चाहिए बाबर बाबर तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पंद्रह सौ छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस जो था और उनतीस का वो बाबर नहीं जीता था और अट्ठाइस की जो है उस वो किसके साथ हुई थी राजा मेदिनी के साथ ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिवेटेड विटामिन इनएक्टिवेटेड विटामिन डी कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है निष्क्रिय विटामिन डी है टोकोफेरोल थाफेरोल और एस्कॉर्बिक एसिड क्या होगा यहां पे कह रहे सर होना चाहिए बहुत बढ़िया चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो लोग कह रहे है, है लो? हैं एरगो कैलसी करेक्ट आंसर होगा ठीक है टोकोफेर किसको कहते हैं हम लोग विटामिन डी को कहते हैं और अगर आपसे पूछे देखिए विटामिन टोकोफेरॉल किसको कहते हैं आपका थाइमिन हो गया विटामिन बी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक और टोकोफेरोल किसको कहते हैं जल्दी से बताइए विटामिन ई को कहते हैं या विटामिन डी को ई e को कहते हैं, ओके, okay, विटामिन ई e को कहते हैं, चलिए और फिर उसके बाद फेरोल किसको कहते हैं? केलसी फेरोल, केलसी फेरोल कहते हैं? हैं, विटामिन ई को भी बता दीजिए सॉरी विटामिन के को भी बता दीजिए कहते हैं क्या या फिर पॉलीक्विनिन सभी लोग बताएंगे इन दोनों में से क्या कहा जाता है पॉलीक्विनिन कहते हैं या साइ यहां पे साइनोकोबालमिन जल्दी से बताइए क्या कहते हैं साइनोकोबालमिन गलत हो जाएगा हाँ पॉलीक्विन साइनोकोबालमिन तो विटामिन बी12 को कहते हैं ना दोस्तों फोकस फोकस दोस्तों फोकस ये विटामिन के हो गया है ना पॉलीक्विनिन विटामिन के को कहते हैं और जो साइनोकोबालमिन है वो विटामिन बी12 को कहते हैं कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे पूछ लेते एग्जाम में ठीक है when did the chairman of the drafting committee submitted his first draft of the constitution of india to the president कह रहे हैं मसौदा समिति जो है उनके अध्यक्ष अध्यक्ष ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत किया था 29 अगस्त 1947 26 नवंबर 1947 21 फरवरी 1948 और 26 नवंबर 1948 26 नवंबर कह रहे हैं ओके okay. ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 फरवरी 1948 करेक्ट आंसर होगा ये आपको ध्यान रखना है देखिए 29 अगस्त उन्नीस को तो गठन हुआ था ठीक है अगर आपसे पूछा जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था तब तो आप कहोगे 29 अगस्त उन्नीस है ना और आपको ये भी पता है कि लगभग एक दिन लग गए थे है ना एक दिन लग गए थे मतलब चार महीना लगभग लग गए लग थे तो देखिए यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ले लीजिए एक दिन लगे थे टोटल एक सौ इकतालीस में कितने महीने बन सकते हैं 30 से अगर मैं भागा देता हूं तो लगभग कितने महीने बन जाएंगे दोस्तों चार महीने से ज्यादा बन जाएंगे तो फरवरी में पहुंच जाएगा ठीक है याद रखेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए अंडर विच आर्टिकल इज दी राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के जो है तहत संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है तीन सौ ए तीस दो सौ पचहत्तर और दो सो इक्यावन किसके तहत है यहां पे तीन सौ ए तीन सौ ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तीन सौ इज दी करेक्ट आंसर ठीक है

ऑप्शन सी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर पे हो जाएगा रेडीमेड एंटीबॉडीज इज दी करेक्ट आंसर ठीक है अगला क्वेश्चन द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट सिंपल तो क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है नागालैंड असम मेघालय और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड नागालैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा नागालैंड करेक्ट आंसर होगा कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है नागा ट्राइब करती है कितने दिन का त्योहार है दस दिन का त्यौहार है कब से कब तक मनाया जाता है तो एक दिसंबर से लेके दस दिसंबर तक मनाया जाता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल ठीक है मतलब त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल कहलाता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा हु हैज बीन साइंड एज द न्यू ब्रांड एम्बेडर ऑफ पुमा इंडिया इन जनवरी 2023 जनवरी 2023 में किसे पूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसिडर बनाया गया था हरमनप्रीत कौर निखज जरीन प्रसुन्न जोशी और महेंद्र सिंह धोनी हरमनप्रीत हरमनप्रीत तो जितने लोग हरमनप्रीत कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा निखज जरीन को बनाया गया था एन का

हैमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है लद्दाख कर्नाटक तमिलनाडु और पंजाब लद्दाख लद्दाख तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लद्दाख और ऐसे भी याद रख लीजिए लद्दाख में आपको हैमिस राष्ट्र उद्यान मिलेगा जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्र उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अगले क्वेश्चन बढे चलिए अगला सवाल द मोपला रेबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द डैश ठीक है मोपला विद्रोह जो था वो डैश के दौरान हुआ था 1914 से 15 1921 से 22 1923 से 24 1917 से 1919 कब हुआ था मोपला रेबेलियन सभी लोग बताएंगे फटाफट से एक जल्दबाजी में गलत मत करिएगा बस ठीक है जो लोग यहां पे 1921 से 1922 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे की तरफ ठीक है यहां पे क्या हो जाएंगे 1921 से 1922 और आ, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑलरेडी पूछा जा चुका है संथल रिवेलियन कौन सा पूछा जा चुका है आप लोग के एग्जाम में संथल रिवेलियन ठीक है संथल रिवेलियन को हम लोग कहते हैं ब्रिटिशियस आजादी के लिए सबसे पहला युद्ध जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था वो संथल रिवेलियन था जो कि अठारह सौ में ये आपके एग्जाम में पूछा गया था ठीक है किस राज्य में झारखंड और वो जो पश्चिम बंगाल वाला रीजन है वहां पर इसको लड़ा गया था ठीक है इसकी शुरुआत किसने की थी सिद्धू और कानू ने किसने की थी सिद्धू और कानू ने ठीक है लीड किया था याद रखेंगे हाँ, सिद्धू और कानू ने लीड किया था ये आपको याद रखना है अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मोपला रिबेलियन का लीडर कौन था तो याद रखिएगा वरियम कुन्नत ठीक है वरियम कुन्नत जो थे इसके लीडर थे अगर लीडर आपसे पूछा जाएगा संथल रिबेलियन के लीडर यहां पे सिद्धू कानू और मोपला रिबेलियन के कौन थे वरियम कुन्नत ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए इन इंडिया द फंडामेंटल राइट डू नॉट इंक्लूड भारत में मौलिक अधिकारों में डैश शामिल नहीं है राइट टू एजुकेशन राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू क्वालिटी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज कौन सा नहीं है हाँ, वरियम कुन्नत जल्दी से याद रख लीजिएगा चलिए बी ऑप्शन बी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर यहाँ जाएगा बी ऑप्शन होगा राइट टू तो प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है हमारे मौलिक अधिकार में अगला क्वेश्चन द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टेब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला जो है विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था एम सी सेटलवेट या फिर एपे शाह एलिजा इम्पे और लॉर्ड मैकोले यहां पे कह रहे सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर वन ओके बाकी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे चले जो लोग ऑप्शन नंबर नंबर ऑप्शन कह रहे उनका गलत आंसर होगा लॉर्ड मैकोले यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे ठीक है बहुत बढ़िया अठारह लॉर्ड मैकोले 1834 ठीक है एलिजा एम आपको याद होगा जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था कोलकाता में तब ये पहले चीफ जस्टिस थे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा वट इज आउटफिट फॉर मैन वाइल परफॉर्मिंग सिंपल सा क्वेश्चन है। भांगला नृत्य जब करते हैं पुरुष तो उनके लिए कौन सी पोशाक होती है कुर्ता लहंगा लुंगी शर्ट लुंगी, जुंग, लुंगी जुंगी लुंगी जुगी और लुंगी और टी शर्ट फटाफट से बताइए ठीक है चले जो लोग यहां पे कह रहे सर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ठीक है करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर और ठीक ठीक है ठीक है ऑप्शन नंबर लेंग, सी लहंगा कहाँ पहनते दोस्तों तो लहंगा कहाँ होगा ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी महात्मा गांधी ने की थी जवाहरलाल नेहरू दादा भाई नारोजी और बाल गंगाधर तिलक जवाहरलाल नेहरू दोस्तों आपको याद होगा रावी नदी के किनारे लाहौर में हम लोगों ने डिमांड की थी स्वराज ठीक है यहाँ पे भारत जो आजाद हो जाए है ना हमने आजाद भारत की जो है डिमांड की थी वहां पे इस और आपको याद होगा उसको ऑफिशियली हम लोगों ने कब डिमांड की थी 26 जनवरी 1930 को इसलिए 20 साल जब हम लोग के हो गए तब हमने 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान पूरी तरीके से लागू किया था ठीक है चले आगे की तरफ चलिए अगला क्वेश्चन हाँ जी पूर्ण स्वराज बिल्कुल सही बात ठीक है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद ये तो हो चुका है ऑलरेडी हाँ जी जज ऑफ हाई कोर्ट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू डैश उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो अपना त्याग पत्र डैश को दे सकते हैं किसको दे सकते हैं स्टेट चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर क्या सर होना चाहिए ठीक है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रेसिडेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे लेकिन फटाफट से लाइक और शेयर करते हुए फटाफट से पांच लेके चलते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपके लिए मेला इज अ फेमस फेस्टिवल ऑन ऑफ अम्बुबा स्टेट अंबुबाची मेला की जो है वो किस राज्य का त्यौहार है असम का है मिजोरम का है सिक्किम का है और गुजरात का है असम असम और कौन से मंदिर में तो कामाख्या देवी मंदिर ठीक है याद रखेगा ये पूछा जाता है कामाख्या देवी टेम्पल ठीक है टेम्पल याद रखेगा

चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा हु वॉन द नेशनल नृत्य शिरोमणिवार्ड दो हजार बाईस राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणी पुरस्कार 2022 किसने जीती थी अपर्णा सतीशन ने भावना रेड्डी विजयंती काशी और यामिनी कृष्णमूर्ति यामिनी कृष्णमूर्ति कुछ लोग कह रहे सर अपर्णा जी ने तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर होंगे भाई अपर्णा सतीशन करेक्ट आंसर जाएंगे जिन्होंने क्या जीता था शिरोमणि अवार्ड 2022 ठीक है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द पटकई माउंटेन रेंज विथ इंडिया निम्नलिखित देशों में से कौन सा जो है भारत के साथ पटकई पर्वत श्रेणी साझा करता है म्यांमार भूटान चाइना और पाकिस्तान फटाफट से बताइए 590 लोग लाइव है फटाफट से 600 के ऊपर चलते हैं फटाफट से म्यांमार म्यांमार करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा म्यांमार करेक्ट आंसर का म्यांमार की कैपिटल क्या है नाइपी ताओ क्या है नाइपी ताओ है ठीक है और यहाँ की करेंसी क्या है करेंसी फटाफट से है 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 क्या क्यात? ठीक है? क्यात करेंसी है? आगे बढ़े चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल किस पाइप जो है पादप समूह में संवहनी तंत्र जो है होता है बीजाणु उत्पन्न करता है लेकिन उनमें बीज नहीं होता है ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पम और एनजोस्पम ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन हो बी टेरिडो फाइटर इज दी करेक्ट आंसर टेरिडो फाइटर ठीक है अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा ठीक है कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर करिएगा ओ हो हो, 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 हो। दोस्तों यहां पे यह समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने किए हैं मिक्स क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे ठीक है अभी आपके सीजीएल में और जो पूछे जा सकते हैं वो भी हमने यहां पे कवर करने की कोशिश की है और अब दोस्तों डेली आपकी क्लासेस चलेंगी जैसे चल रही थी सुबह आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग सिक्स ए एम टू सेवन ए एम जहां पे हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोपहर को दो बजे से तीन बजे जहां पर हम लोग करेंगे किसके जीके जीएस के सवाल लेकिन अब हम लोग आएंगे एस एस सी के साथ क्योंकि आपको पता है नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा एस एस सी होना चाहिए ठीक है ऑगस्ट में सी एग्जाम है जिनके अभी सी एच एग्जाम है वो बिल्कुल फोकस होकर करिए सी जी एग्जाम और इसी बार क्रैक करिए ठीक है खुद पर भरोसा रखिए और तैयारी करके जरूर जाइए ठीक है और जी हाँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है आप लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो लोग नहीं जुड़े हुए तो वो जरूर जुड़ जाएं वहाँ से आपको पीपीटी मिल जाएगी आपको वहां पे करना क्या होगा सिर्फ सर्च करना होगा एट गौरव सर टेक्सट बुक जहां पर आपको एक पब्लिक ग्रुप मिलेगा ठीक है वहां पर यूट्यूब सेशन के आपको अपडेट मिलेंगे डेली पी मिलेंगे डिस्कशन होंगे डायरेक्ट इंट्रक्शन भी आप कर सकते हैं या डायरेक्टली आप लोग सर्च करके जुड़ सकते हैं गौरव मौर्य सर टेक्स बुक ठीक है ये भी सर्च करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं और जी हाँ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में अपनी कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ना पड़ेगा और इसलिए आप जुड़ सकते हैं सुपर कोचिंग पे भी जहां पर आपको सारे एस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है चालीस से ज्यादा दोस्तों यहाँ पे कोर्सेज होते हैं बाय बेस्ट टीचर पंद्रह से ज्यादा लाइव क्लासेस होते हैं ठीक है जिसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो बीस से ज्यादा स्टडी नोट्स जिससे आप रिविजन कर सकते हो तीन हजार मॉक टेस्ट जिससे आप लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस कर पाएंगे आप कोर्स को अवेल करते वक्त आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है गौरव एम जी ए यू आर ए वी एम ठीक है जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूं प्लेलिस्ट आपको कहां पर मिलेगी यूट्यूब पर और किस तरीके से आप कोर्स को अवेल कर सकते हो तो सिंपली आपको क्या करना है यूट्यूब पर चले आना है यूट्यूब पर आप ऑलरेडी हो तो यूट्यूब में कहाँ पे जाएंगे सु, आ, सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे बाय टेक्सबुक चैनल पर ठीक है जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना आपको देखिए यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस अपनी होती थी डेली करंट अफेयर की आपको इसी में पूरी क्लासेस वापस से आएंगी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है अपन प्रीवियस जो वीक था उसका कही कहीं ना कहीं रिविजन भी करेंगे ठीक है वीकेंड पे और अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे तो सीजीएल के लिए आपके लिए प्ले लिस्ट यहाँ पर थी ठीक है सीजीएल की भी मिल जाएगी अब सी एच एस एल की भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी अब देखिए सीजीएल की आपको प्ले लिस्ट यहाँ पर है सी एच एस एल का एग्जाम शुरू हो रहा है मतलब तैयारी करेंगे तो सी एच एस एल के लिए भी प्ले लिस्ट आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगी और दोस्तों जो आ, कह रहे थे कोर्स कैसे अवेल करें तो सिंपली आपको क्या करना है लाइव सेशन जो आपका चल रहा है उसी में जाएंगे जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक और शेयर कर देंगे और शो मोर करेंगे डिस्क्रिप्शन में तो देखिए आपको यहाँ पे एसएससी सुपर कोचिंग लिंक दी गई है इसको क्लिक करिएगा आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलती है वहाँ पर आपको क्या करना है प्राइसिंग में जाना है प्राइसिंग में और वहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए ट्वेंटी मंथ ट्वेल्व मंथ सिक्स मंथ तीन ऑफर हैं अप्लाई करिए कूपन कोड गौरव एम ऑलरेडी अप्लाइड है नहीं रहेगा तो लिख देंगे जी ए यू आर ए वी एम और अप्लाई कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों ये सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा थैंक यू सभी लोगों को फॉर हैविंग पेशेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पेशेंस रखा है ठीक है आप लोगों की प्रेयर जो थी बहुत आ, अच्छा मतलब लगा कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं ठीक है और इसीलिए मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा और हमेशा हम लोग तो क्या करना है एक साथ चलते रहना है आगे और रुकना नहीं है अब दोस्तों सीजीएल का एग्जाम हो चुका है जो लोग सी एच टारगेट है लग जाइए अगर आपका सीजीएल एग्जाम हो चुका है तो नहीं हुआ है तो अभी आपको सीजीएल फोकस करना है ठीक है क्योंकि वो आपका मेन टारगेट है और बाकी लोग का जो सी मेन टारगेट है वो दोस्तों जुड़ना जरूर दोस्तों मेरे साथ मंडे टू फ्राइडे दोपहर को दो से तीन बजे है ना तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में हाँ ना एक नए जोश के साथ एक नए सेशन के साथ तो जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले सेशन में तब तक के लिए आप क्या करेंगे अपना ख्याल रखेंगे अपनों का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे आपका दोस्त सभी के लिए आपसे विदा लेता है लेकिन जुड़ेगा बहुत जल्द बाय बाय टेक केयर जय हिंद जय जै भारत